दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण का वध करने के बाद श्री राम सीता माता को लेकर अयोध्या लौटे थे, किंतु एक धोबी के कहने पर उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया था। परंतु आज भी हम सब लोगों के मन में एक सवाल है कि न्याय की मूर्ति सबके साथ न्याय करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी ही धर्म पत्नी सीता के साथ अन्याय क्यों किया था। श्री राम के द्वारा त्यागी गई माता सीता गर्भ अवस्था के दिनों में अनेकों कठिनाइयों से गुजर रही थी। महलों में रहने वाली माता सीता को 14 वर्ष वनवास काटने के बाद भी महल का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाकी का शेष जीवन सीता माता को वन में व्यतीत करना पड़ा था। इसके पीछे की कहानी है उन्हें मिले एक श्राप की। ये कहानी उन दिनों की है जब सीता माता अपने बाल अवस्था में थी। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ वो बाग में खेल रही थी। सीता, सीता, कहाँ छुपी हो तुम? रानी, दूर दूर तक देख लिया, सीता तो कहीं नजर नहीं आ रही। लगता है शायद किसी वृक्ष के पीछे छुप गई होगी। सखियों ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। माता सीता वृक्ष के पीछे ही छुपी हुई थी। अपनी सहेलियों से छिपते छिपाते माता सीता की नजर तोते के जोड़े पे पड़ी, जो आपस में बातें कर रहे थे। फिर क्या था, अब दोनों तोते की बातें माता सीता छिपकर सुनने लगी। एक दिन इस संसार में राम नाम का एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा होगा और उनका विवाह संसार की सबसे सुंदर औरत सीता से होगा। हाँ प्रिय, तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो। ये दोनों तोते तो मेरे बारे में ही वार्तालाप कर रहे हैं। ये मेरे बारे में कैसे जानते हैं? मुझे इनसे पता लगाना ही होगा। अपने विषय में सुनकर सीता ने उन दोनों तोतों को पकड़ लिया। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हाँ ठीक है, मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम दोनों जब आपस में बातें कर रहे थे तो मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरे बारे में तुम्हें कैसे पता चला? हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। जब वो अपने शिष्यों को ये सारी बातें बता रहे थे तब हम वहीं थे और हमने ये बातें सुनी। तुम जिस सीता की बातें कर रहे थे वो सीता मैं ही हूँ। मुझे राजा राम के बारे में और बातें जाननी हैं, इसीलिए तुम दोनों मेरे साथ ही रहो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। हम गगन पक्षी हैं, हम पिंजरे में रह के जीवित नहीं रह पाएंगे। कृपया हमें आज़ाद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद कर देती हूँ, लेकिन ये मेरे साथ रहेगी। नहीं सीता, मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने पति से अलग नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में मैं अपने पति का वियोग नहीं सह पाऊंगी। सीता, मुझे जाने दो। नहीं, तुम मेरे विषय में ज्यादा जानती हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। सीता का बाल स्वभाव ये नहीं समझ सका और वो अपने जिद पर आ गई। फिर क्या था, अब सीता की बातें सुनकर मादा तोता क्रोधित हो गई और क्रोध में बोल पड़ी। राजकुमारी सीता, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह तुमने मुझे गर्भवती होते हुए अपने पति के वियोग सहने पर विवश किया है, उसी तरह तुझे भी अपनी गर्भावस्था के दौरान पति वियोग सहना पड़ेगा। और इतना कहकर उसी समय उस मादे तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। ये देखकर सीता को बहुत पछतावा हुआ। फिर जब माता सीता गर्भवती हुई तो उन्हें अपने पति के वियोग को सहना पड़ा और मादा तोता का श्राप सत्य हुआ। और माना जाता है कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम ने सीता माता का त्याग किया वो पिछले जन्म में वही मादा तोता था जिसने क्रोध में आकर माता सीता को श्राप दिया था।